नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी, एकदम सिंपल, जो सामान हर घर में रखा होता है उसी से, जैसे प्याज, टमाटर, मसाले, बस और कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तुरई की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुरई। तो मैंने यहाँ 700 ग्राम तुरई ली है, इन्हें धोकर साफ कर लिया है। तुरई जब भी खरीदें एकदम पतली भी ना हो और मोटी भी नहीं, हमेशा मीडियम साइज की तुरई ही खरीदें। साथ ही तुरई फ्रेश भी होनी चाहिए। तुरई को छील लेते हैं। तोरी का आगे पीछे का हिस्सा काटकर हटा देते हैं और तोरी को काट लेते हैं। तोरी को थोड़े बड़े पीसेज में काटा है क्योंकि तोरी जल्दी पकती है और पानी भी छोड़ती है। यदि थोड़े बड़े पीस काटेंगे तो तोरी पकने तक ज्यादा पानी नहीं बचेगा। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सरसों के दाने और 1 पिंच हींग डाल देते हैं। 1 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 प्याज डाल देते हैं। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देते हैं और भून लेते हैं। दो चॉप किए टमाटर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। मसाले नीचे चिपके नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तीन चार मिनट मसालों को अच्छे से पका लिया है, अब इसमें कटी हुई तुरई डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन लगाकर तेज आंच पर सब्जी को पका लेते हैं ताकि तोरी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब बिना ढक्कन लगाए ही सब्जी को पका लेते हैं। चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। हमारी मसाला तुरई सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि सब्जी में बहुत ज्यादा रस नहीं बचा है। सब्जी को बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।